गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीएल मेमोरियल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। टुडेज आर वीडियो फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट एसएसटी, चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, पेज नंबर 14 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कर्नाटक वार, यानी कि कर्नाटक का युद्ध। पेज नंबर 14 पे कहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं? कर्नाटक वार से। ओके, there were a series of military conflicts in the middle of the 18th century in India. 18वीं शताब्दी के अंदर क्या था? सैन्य संघर्ष था, जो क्या था बहुत ज़्यादा हो रहा था। कब? 18th सेंचुरी के अंदर मिडल में सैन्य मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सैन्य संघर्ष ज़्यादा था। The conflicts involved numerous nominally independent rulers and their vassals, struggle for succession and territory. And include a diplomatic and military struggle between the French East India Company and the British East India Company. क्या था? Conflict involved numerous nominal, यानी कि नाम मात्र के स्वतंत्र शासक थे और उनके जागीदार थे, vassals का मतलब उनके जागीदार थे। Struggle, संघर्ष हो रहा था किसके लिए? For succession and territory, यानी कि succession का मतलब उत्तराधिकार। क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था, यानी कि लड़ाई लड़ रहे थे वो किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए और टेरिटरी यानी कि क्षेत्र के लिए। एंड इंक्लूडेड अ डिप्लोमेटिक मिलिट्री स्ट्रगल, और इसके साथ में क्या हो रहा था? एक सैन्य संघर्ष भी हो रहा था बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किन के बीच में संघर्ष हो रहा था? फ्रांस की जो कंपनी थी और ईस्ट इंडिया ब्रिटिश की जो कंपनी थी, उन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा था? मिलिट्री स्ट्रगल हो रहा था। ओके, they were mainly fought within a territory of Mughal India with the assistance of various for magnet political polities loyal of the great Mughal. और ये जो युद्ध हो रहे थे, ये जो मुगल साम्राज्य के जो महान शासक थे, इनके ईमानदारी के साथ हो रहे थे, इनकी क्या थी? लॉयल्टी थी। As a result, these military contests, the British East India Company established its dominance among the Europe trading company within India. और इसी के फलस्वरूप क्या किया यूरोपीय कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि भारत के अंदर अपने पांव पसार लिए थे और अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। द फ्रेंच कंपनी वॉज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड वॉज कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरली टू अ पांडिचेरी। जो फ्रेंच की जो कंपनी थी उसको क्या कर दिया? एक कॉर्नर के अंदर उसको धक्का दे दिया, वो सिर्फ पांडिचेरी तक ही सीमित रह गई थी, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस इवेंचुअली लेड टू कंट्रोल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया आर इंडियन आर इवेंचुअली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज। फिर क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी क्या कर लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के ऊपर अपना राज कर लिया था, अपने जो इनका जो व्यापार था उसको क्या कर लेते हैं? यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर उसकी स्थापना कर ली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। इन द 18th सेंचुरी द कोस्टल कर्नाटिक रीजन वॉज डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद। 18th सेंचुरी के अंदर जो तटीय कर्नाटक क्षेत्र था वो क्या था, किसके ऊपर डिपेंड था? हैदराबाद के ऊपर डिपेंड था। 3 कर्नाटकी वार्स वर फॉट बिटवीन 1746 एंड 1763। 1746 से लेकर 1763 के बीच में कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। फॉर कर्नाटक वार 1746 to 1748 हैड इट्स ऑर्गन इन द ब्रिटिश यूरोप वेन वॉज ब्रॉक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1742। जब इसका फर्स्ट युद्ध हुआ था, कब हुआ था? कर्नाटक का 1746 के अंदर हुआ था, है ना। तो इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इनके बीच में 1742 में भी क्या हो गया था? युद्ध हो चुका था। द वार इन इंडिया स्टार्टेड वेन नवाब ऑफ कर्नाटक कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप। जब इंडिया के अंदर युद्ध हुआ था तो उस समय कर्नाटक के जो नवाब थे उसकी कुछ जो फ्रेंच शिप्स थी उसके ऊपर क्या कर लिया गया था? कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। फ्रेंच रेस्पॉन्स फेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। इसने बोला था इसने कि हम क्या करेंगे, इसको आपको वापस लौटा देंगे। किसने? जो सेंट जॉर्ज जो था। द फर्स्ट कर्नाटक वार आल्सो केम टू बी एंड। द जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था वो क्या हो गया था? एंड हो गया था, यानी कि समाप्त हो गया था। इन द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले की, एक्सला चैपले जो था उसकी जो ट्रीटी थी यानी कि जो संधि हुई थी, दोनों ने जो समझौता किया था, उस समय फर्स्ट ये जो युद्ध था कर्नाटक का, ये क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। कब? 1748। मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ
लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका विच द ब्रिटिश हेड कैप्चर्ड। फिर मद्रास को क्या कर दिया गया, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जिनके ऊपर कब्जा कर लिया गया था नॉर्थ अमेरिका में, जो लुइसबर्ग थे, वो उनको क्या कर दिया गया, लौटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटक वार एंडेड, अ प्रॉक्सी वार बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड इन इंडिया व्हेन रूलर्स ऑफ बोथ कर्नाटक एंड हैदराबाद डाइड द वार ऑफ सक्सेशन दैट ब्रोक आउट। जब फर्स्ट ये कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में क्या था, युद्ध कंटिन्यू चल रहा था। और व्हेन रूलर्स ऑफ बोथ कर्नाटक एंड हैदराबाद डाइड, कर्नाटक और हैदराबाद के जो रूलर थे, जो शासक थे, वो क्या हो गए थे, डाइड यानी कि मर गए थे। तब क्या हुआ था, द वार ऑफ सक्सेशन दैट ब्रोक आउट, वापस क्या हुआ, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया था। जब दोनों के क्या मर गए थे, वहाँ के जो शासक थे वो मर गए थे, तो उसके बाद में सक्सेशन का युद्ध क्या हो गया था, छिड़ गया था। ब्रोक आउट का मतलब छिड़ जाना। ठीक है, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइड विथ अपोजिट ग्रुप्स, और ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे वो दोनों क्या थे, अपोजिट थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत समूह में थे। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लीड ब्रिटिश ट्रूप्स ऑफ कैप्चर एयरपोर्ट एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड। द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइंड इन 1754 व्हेन रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद अली खान वलजा एज द नवाब ऑफ द कर्नाटक। फिर क्या हुआ था कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों के ग्रुप क्या थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। ठीक है, 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, आकोट पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पर, आकोट पर क्या कर लिया था, कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों का क्या किया, उसमें लीडरशिप की, और फिर इसको क्या कर लिया, सक्सेसफुली इसको बचा भी लिया। फिर 1754 में क्या किया था, इन्होंने सिग्नेचर किए थे किसके ऊपर, पांडिचेरी की क्या हुई थी, ट्रीटी हुई थी यानी कि संधि हुई थी 1754 में, उसके ऊपर क्या किए थे, साइन कर दिए थे, और इस युद्ध को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, फिर जिसने क्या हुआ था, मोहम्मद अली खान वालजा को क्या किया, कर्नाटक के नवाब के रूप में उनको क्या देती, मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। द आउटब्रेक ऑफ 7 ईयर्स वार बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया लीडिंग टू थर्ड कर्नाटक वार 1756 to 1763। द वार कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑन द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 विच रिटर्न चंद्रनागौर एंड पॉन्डिचेरी टू फ्रांस एंड अलाउ द फ्रेंच टू हैव फैक्ट्रीज ट्रेनिंग पोस्ट इन इंडिया। द फ्रेंच एग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट, थस एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ एन इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरन पावर इन इंडिया। भारत और फ्रांस और ब्रिटिश सेना के बीच में क्या हुआ, 7 साल के जो युद्ध था, जो उसका जो प्रकोप फैला, तो उसके कारण जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1756 से लेकर 63 के बीच में। फिर 1763 में क्या हुआ था कि पेरिस की संधि पर क्या कर दिए गए, साइन कर दिए गए थे, और क्या किया गया, युद्ध को समाप्त किया गया था, जिसने चंद्रनगर और पांडिचेरी क्या कर दी, वापस फ्रांस को लौटा दिए, और फ्रांस को भारत में कारखाने लगाने की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। फिर फ्रांस से ब्रिटिश जो ग्राहक थे उसने क्या किया, सरकार को क्या किया, समर्थन देने के लिए भी वो क्या हो गए, सहमत हो गए। कौन, फ्रांसीसी ब्रिटिश ग्राहक सरकार को क्या करने के लिए हो गए, कि उनको समर्थन देने के लिए सहमत हो गए। पहले वो दोनों अपोजिट थे एक दूसरे के, और इसी तरह फिर क्या हुआ, भारत के अंदर साम्राज्य की जो फ्रांसीसी जो इच्छाएं थी वो क्या हो गई, उनको समाप्त कर दिया गया, और अंग्रेजों के भारत में प्रमुख क्या बन गए, विदेशी शक्ति को बना दिया गया। अब आता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।